चुके हैं कांग्रेस के संभावित चेहरे सीकर से सुभाष महरिया, अलवर से जितेंद्र सिंह, जोधपुर से वैभव गहलोत, उदयपुर से रघुवीर मीणा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, नागौर से ज्योति मिर्जा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह ईडवा, जालौर सिरोही से रतन देवासी, कोटा से रामनारायण मीणा, बारा झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया, अजमेर से रघु शर्मा एवं रिजु झुंझुनवाला, जयपुर शहर से महेश जोशी या सुनील शर्मा, भीलवाड़ से रामपाल शर्मा या सीपी जोशी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से भरत मेघवाल या शंकर पन्नू, राजसमंद से देवी कानंद काका या लक्ष्मण रावत, झुंझुनू से राजबाला ओला या डॉक्टर चंद्रभान, जयपुर देहात से लालचंद कटारिया, बाड़मेर से हरीश चौधरी या मानवेंद्र सिंह, करौली जोधपुर से लखी राम या खिलाड़ी बेरवा, भरतपुर से रतन सिंह या सुरेश जाटव, बीकानेर से सरिता चौहान या मदन मेघवाल, चूरू से नरेंद्र बुडानिया या इरशाद मंडेलिया, पाली से बद्री जाखड़, दौसा से कमल मीणा या सविता मीणा, टोंक सवाईमाधोपुर से नमो नारायण मीणा। इन नामों में हालांकि अंतिम समय में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन टोंक सवाईमाधोपुर धौलपुर करौली व दौसा सीट पर काफ़ी मंथन चल रहा है। टोंक सवाईमाधोपुर से भी नमो नारायण के विकल्प पर भी विचार चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में नमो नारायण निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। करौली जोधपुर से लक्की राम के अलावा विधायक खिलाड़ी पैरवा भी दौड़ में आ गए हैं। दौसा से मुरारी मीणा या उनकी पत्नी पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस राजनीति के तहत लोकसभा की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करती है।